हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं अरेबिक मेहंदी की डिज़ाइंस बताओ, बट मैं अरेबिक मेहंदी नहीं बनाती हूँ। अभी जो ट्रेंड में चल रही है, अरेबिक से रिलेटेड ही मेहंदी है, अरेबिक जैसा ही लुक है, उसको बोलते हैं इंडो अरेबिक। यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाओगे तो उसका अलग अलग नेम जो रहता है, इंडो वेस्टर्न भी होता है या कहीं पे इंडो अरेबिक भी है, कुछ वेस्टर्न डिज़ाइन भी बोलते हैं, बट जो प्रॉपर नेम है उसका इंडो अरेबिक है। अब जैसे कि आप देखते हो कि अरेबिक डिज़ाइन और इंडो अरेबिक में फ़र्क क्या है, सबसे पहले तो आपका वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अरेबिक मेहंदी किसको बोलते हैं और इंडो अरेबिक किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों की क्लियर करूँगी कि जो इंडो अरेबिक मेहंदी है, वो जो अभी के ट्रेंड में जो चल रही है, उसमें सारे जो क्रिएशन है, सारी लेटेस्ट डिज़ाइन है, वो सारी मिक्सअप होती है। आप उसके अंदर लाइक पेटल्स के फ्लावर है, शेडिंग फ्लावर है, या लाइक आप बेल्ट, ग्रिड लाइंस, एवरीथिंग यू कैन यूज़ इन दिस डिज़ाइन। अगर हम लोग अरेबिक की बात करें तो अरेबिक मेहंदी में क्या होता है, आप देखते थे कि पुराने ज़माने में अरेबिक मेहंदी काफ़ी ज़्यादा चलती थी। अरेबिक मेहंदी में जस्ट लाइक फ्लावर एंड शेप, यही चीज़ें होती थी, फ्लावर्स और शेप में शेडिंग जो रहती है, शेप में भी आपकी शेडिंग ही होती है और फ्लावर में भी शेडिंग होती है। वो अरेबिक मेहंदी जो पूरी बनती थी वो पूरी ही शेड से ही बनती थी, उसमें कोई फिलअप, कोई ग्रिड लाइंस, कोई चेक्स के डिज़ाइंस, कोई लोटस के डिज़ाइन, बेल्ट, पेटल्स, लीव्स, स्ट्रोक्स कुछ यूज़ नहीं होते थे। और अभी जो मेहंदी चल रही है वो सारी डिज़ाइन का मिक्सअप करके जो बनाया हुआ पैटर्न है वो इंडो अरेबिक है। तो आप देख रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट डिज़ाइन पहले स्टार्ट कर दी है, पाम से मैंने 3 फिंगर ऊपर से डिज़ाइन स्टार्ट की है। नॉर्मल मैंने बेसिक फ्लावर एक यूज़ किया है, उसके बाद एक मैंने शेप यूज़ किया है, उसके बाद एक लीव्स एंड स्केल्प का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं पीसली यूज़ कर रही हूँ। जो शेप्स मैंने करवाए हैं आप लोगों को पहले अभी ये चीज़ आप देख रहे हो कि मैं इसमें पेटल्स और लीव्स का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो इंडो अरेबिक डिज़ाइन है वो काफ़ी ब्रॉड भी है और हैवी लुक भी है, वो चीज़ों को आपको कैसे दिखाना है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बार बार मैं हर एक शेप के ऊपर एक सर्कल जैसा यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैंने 2 लीव्स का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने स्केल्प का यूज़ किया है। यहाँ पे मैं 2 फिलअप्स ले रही हूँ, उसके बाद एक तीसरा फिलअप का यूज़ करूँगी। जो नॉर्मल हम लोग शेप के अंदर फिलअप करते हैं उस शेप को ही मैंने बड़ा यहाँ पे शो किया है, उसके बाद मैं स्केल्प यूज़ कर रही हूँ। तो इंडो अरेबिक में क्या होता है कि जितना हो डिज़ाइन को आपको इजीली उसको क्रिएट करना है, देन जितनी ज़्यादा डिज़ाइन है वो उसमें आपको ऐड नहीं करनी है, सिर्फ पेटल्स, लीव्स, आप जितना ज़्यादा हर एक शेप के बाद डिज़ाइन के ऊपर आप उसको यूज़ करते हो तो डिज़ाइन उससे हैवी होते जाएगी। और अरेबिक डिज़ाइन की हम लोग बात करें तो अरेबिक में सिर्फ फ्लावर शेप हम लोग यही चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो उसमें कैसा है कि जो लुक आना चाहिए वो एकदम सिंपल सा और पतला सा जो लुक रहेगा वो क्रिएट होगा, और पूरी जो आपकी पाम है, फिंगर्स है, वो सब आपकी खाली दिखेगी, हैवी लुक नहीं देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा जो है ऑलमोस्ट मेरा हैंड भी कवर हो रहा है अच्छे से, और डिज़ाइन जो है मैं हेवी से हैवी उसमें ऐड कर रही हूँ, हैवी लुक देने की ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो वो हैवी लगे। तो आप देखो हर शेप के बाद में 2-2, 3-3 लाइन जो है वो क्रिएट कर रही हूँ, 2 लीव्स की, उसके बाद एक मैं स्केल्प की लाइन। और जितना हो सके आप बेसिक फ्लावर का यूज़ करो तो ज़्यादा आपकी अरेबिक सुंदर दिखेगी। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी लुक देना है, आप 1 आवर में या 2 आवर में डिज़ाइन को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप पेटल्स के, रोज़ वाले फ्लावर वो सब यूज़ कर सकते हो, बट हाँ अकॉर्डिंग डिमांड। अगर आप कहीं पर ऑर्डर कर रहे हो तो आपको उतना कॉस्टिंग उस डिज़ाइन का, अगर क्लाइंट आपको पे कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप उसको हैवी लुक दे सकते हो। लाइक नॉर्मल चार्जेस है, पार्टी मेहंदी है या फिर मेहंदी फंक्शन है,
तो उसमें कैसा होता है कि बहुत 10 to 15 या अगेन 20 to 30 मिनट में डिज़ाइन कंप्लीट करनी होती है। तो उसमें कैसा होता है कि जितना ज़्यादा सिंपल क्रिएशन, जितना आप डिज़ाइन को जल्दी ख़त्म करो, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। तो उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन क्रिएट करनी है। बट मैं ये सारा हैवी क्रिएशन ही करती हूँ, तो मैं आपको भी यहाँ पे हैवी ही लुक करके बताऊँगी। मैं इसमें बेल्ट का भी यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इंडोर भी डिज़ाइन बनाते हो तो इसमें जो स्कैल्प जो होते हैं वो थोड़े से साइज़ में लंबे और बड़े होते हैं। जो नॉर्मल डिज़ाइन से हम कंपेयर करें तो इसमें जो डिज़ाइन है वो थोड़ी बड़ी होती है, ज़्यादा बारीक नहीं होती है। और अगर आपको मैचिंग पार्ट करना है या मैचिंग डिज़ाइन बनानी है, तो आप सारे शेप्स एक शेप में मैचिंग करो, दूसरे में दूसरी डिज़ाइन, फिर वापस अगेन उसके अपोजिट वाला शेप आप वापस से मैच कर सकते हो। बट मैं मैचिंग नहीं ले रही हूँ, मैं सारी डिज़ाइन अलग अलग इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैंने फिलअप स्टार्ट कर दिया है ऑलमोस्ट। फिलअप आपको जैसा अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टाइम, अकॉर्डिंग आपके क्लाइंट आपको कितना पे कर रहे हैं उस हिसाब से। बट मैं क्या हमेशा अपनी डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कि क्लाइंट कितना पे कर रहे हैं उस हिसाब से, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। चाहे क्लाइंट की कॉस्टिंग कम रहे या ज़्यादा रहे, बट मेरी जो फिनिशिंग है, मेरा जो वर्क है, मैं उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं अपना हमेशा बेस्ट देने की ही कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा नहीं है कि आपके क्लाइंट कम चार्ज पे कर रहे हो तो आप मोटा मोटा लगा के उसको ख़त्म कर दो, या बड़ा बड़ा करके 10-15 मिनट में मेहंदी को ख़त्म कर दो। मैंने पूरी डिज़ाइन एक साथ ड्रॉ की है और उसके बाद मैं फिलअप स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज़ एक बार आपका सेटअप अच्छे से हो जाता है तो आप उसमें फिलअप करते हो तो वो डिज़ाइन जो है काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। अगर आप शेप के साथ फिलअप करोगे तो इंडोर इवेक में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज़ हम लोग दूसरी डिज़ाइन से कंपेयर करें तो इंडोर इवेक का जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही होता है, ज़्यादा साइड में या लास्ट फिंगर में या मिडल फिंगर में बहुत कम चांस में हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड फिंगर में ही हम लोग यूज़ करते हैं। इस वजह से कैसा है कि आप पूरा सेटअप पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप फिलअप करो। मैं पूरा फिलअप करने के बाद ही बॉर्डर उसके क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका बॉर्डर जो है थिक बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा कि मैम अरेबिक डिज़ाइन बताओ, बट अरेबिक तो बहुत कम चांस में अब यूज़ होती है। प्रोफेशनली अभी सब वर्क स्टार्ट हो गया तो प्रोफेशनली लेवल पे आप देखोगे तो इंडोर बिक और वेस्टर्न लुक में ही कुछ ऐसा चलता है, अरेबिक भी बहुत कम ट्रेंड में है। तो ये डिज़ाइन आप देख रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो लोग अरेबिक लगाते हैं उनको पता होगा कि वो कैसी अरेबिक लगाते हैं, और यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो क्रिएशन भी आपको पता चलेगा कि उसमें क्या फ़र्क है, मैंने कौन कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ की है। मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ इस डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में जो भी वीडियो बनाए हैं, जो भी शेप्स मैंने यूज़ की है, जो भी फिलअप मैंने यूज़ की है, जो फ्लावर्स मैंने यूज़ किए, बस उन्हीं सब का यूज़ करके मैं यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसा शेप नहीं है जो मैंने उसमें ऐड किया है। आई होप यू कि आप लोगों को ये मेरी डिज़ाइन पसंद आई हो। मैं इससे अच्छी अच्छी डिज़ाइंस, हैवी हैवी डिज़ाइंस भी लेके आऊँगी, सो डोंट वरी। ये मेरा फर्स्ट पैटर्न था
जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, जस्ट बेसिक चीज़ें और बेसिक फिलअप और बेसिक डिज़ाइन ही मैंने यूज़ किए। आपको हैवी करना है तो आप बहुत ज़्यादा हैवी हैवी फिलअप भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपको फिलअप लेना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, मेरे वीडियो को पसंद करते हो, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपनी फैमिली में उसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ जिन लोगों को मेहंदी का नॉलेज नहीं है, जो टाइम या फिर मनी की वजह से क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते या क्लासेस नहीं ले पाते, सीख नहीं पाते, उन लोगों के लिए मैं टाइम निकाल के मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो प्लीज़ उन लोगों तक ये डिज़ाइंस आप पहुँचाओ, वो लोग अच्छे से सीखें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बोल सकते हो। और हाँ, अभी तक जिसने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कर लो फॉर लेटेस्ट अपडेट, फॉर नोटिफिकेशन। तो देखो, मेरी डिज़ाइन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। फिंगर में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं लेके मैं सिर्फ स्ट्रोक्स का यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हैवी लुक यहाँ पे दे रही है, इस वजह से मैं सिर्फ नॉर्मल स्ट्रोक का यूज़ कर रही हूँ फिंगर्स में। सो अगेन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।